पब्लिक टीवी आपकी आवाज। जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई मंत्रियों और भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने उन्हें नमन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनके प्रयासों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। इसी कड़ी में मुरादाबाद में भी भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को नमन किया गया और बलिदान दिवस के रूप में उनकी पुण्यतिथि को मनाया गया। जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज पुण्यतिथि है और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इस बलिदान दिवस के रूप में इसे मनाया जा रहा है। बलिदान दिवस मनाते हुए भाजपा कार्यालय पर आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को नमन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के उपाध्यक्ष गोपाल अंजान रहे। इस दौरान सर्वप्रथम भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्पांजलि की गई और उन्हें नमन किया गया तथा बाद में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पौधारोपण भी किया गया। इस दौरान सभी पदाधिकारियों ने पौधारोपण में भाग लिया और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। आज पूरे देश के अंदर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जो हमारी पार्टी के संस्थापक थे उनके बलिदान दिवस 23 जून से लेकर 6 जुलाई तक सघन वृक्षारोपण अभियान यानी पृथ्वी का श्रृंगार वृक्ष है और वृक्ष हमारे लिए जीवन है। इस कोरोना महामारी के बीच में वृक्षों की बहुत याद आई, पर्यावरण की चिंता की है। भारतीय जनता पार्टी निपट केवल राजनीतिक संगठन नहीं है, हम संगठन को ही सेवा के रूप में आज देश और दुनिया के सामने प्रदर्शित कर चुके हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है कि सेवा ही संगठन है और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह सिद्ध कर दिया है कि कोरोना कुछ भी हो एक महामारी है और उसको एकता और अपने परिश्रम से और जो प्रोटोकॉल है उसका पालन करते हुए हम सब लोग जीत सकते हैं। तो हमारे कार्यकर्ता पूरे देश के अंदर और मुरादाबाद महानगर में, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आज मुझे मुरादाबाद महानगर में रहने का अवसर हुआ क्योंकि मेरा गृह जनपद भी है और मैं यहाँ आया, पार्टी कार्यालय पर वृक्षारोपण किया और उससे पूर्व पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान दिवस के अवसर पर उनको पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी है। और हमारे पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने एक देश एक विधान एक संविधान एक निशान के लिए अपने जो प्राणों की आहुति दी और हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सशक्त रूप से जब आज सत्ता में आए हैं तो हमने उनकी अपेक्षा को पूर्ण करते हुए हम जम्मू कश्मीर जो हमारे देश का स्वर्ग है उस स्वर्ग को भारत में सम्मिलित करते हुए, पहले सम्मिलित था परंतु लोगों के मनों से दूरी थी, वहाँ के नागरिकों को सशक्त सम्मान देते हुए और उनके विकास के कार्यों को करते हुए आज जम्मू कश्मीर अपराध मुक्त है, जम्मू कश्मीर आतंक मुक्त है और जो आतंक का सर उठाता है उसको कचल दिया जाता है। संपूर्ण जम्मू कश्मीर के विकास का जो अभिप्राय लेके पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने बलिदान दिया है हम उसको अक्षरशः पूरा करने का कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। और हमारे सब कार्यकर्ता जो बचपन में बोला करते थे जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, आज वो कश्मीर हमारा हो चुका है। आगे जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के निर्णय रह गए हैं, दो चार बिंदु रह गए, उनको भी पूरा करके इस देश के अंदर शक्तिमान भारत के रूप में स्थापित करने का काम करेंगे। और हम सब कार्यकर्ताओं से और जनता से आह्वान करते हैं कि पूरे प्रदेश के अंदर और अपने नगर के अंदर अपने पार्क में अपने घर पे अपने पड़ोस में वृक्षारोपण करें। जो जनसंघ के अध्यक्ष रहे हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनका आज बलिदान दिवस है, उनको भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने आज यहाँ पुष्पांजलि करी है महानगर के। और जिस तरह से ये महामारी हमारे देश में चली है, जिस तरह से ऑक्सीजन की कमी चारों तरफ दिखाई दी, उसी को देखते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उन्हीं की प्रेरणा से एक पार्टी का कार्यक्रम आज आया वृक्षारोपण। प्रत्येक बूथ पे पांच पांच पौधे आज लगाएंगे सभी भारतीय जनता पार्टी के महानगर के पदाधिकारी, हमारी सभी पार्षद, मेरे सभी मंडल अध्यक्ष, सभी सेक्टर संयोजक, सभी सेक्टर प्रभारी और सभी बूथ अध्यक्ष। आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम शुरू हो गया है जो 6 जुलाई तक चलेगा, लगातार वृक्षारोपण का कार्यक्रम करेंगे और इस देश को इस महामारी से बचाने में योगदान करेंगे। पब्लिक टीवी आपकी आवाज।